हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लान स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिजाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मोहरा देखिए हमने काट लिया है। 5.5 इंच का हमने कांधी रखे हैं और 5 इंच पर मोढ़े का 13 इंच हमारी लंबाई है, 9.5 इंच चौड़ाई है और 5.5 इंच पर मोढ़े का निशान लगाया है, लगा के काटा है। 2 इंच हम गले के निशान लगाएंगे ऊपर, 9 इंच डीपनेस रखेंगे। तो देखिए हमने 9 इंच डीपनेस रखा है। अब हम इसे बॉक्स बनाकर गले का शेप देंगे। तो देखिए हमने गले का शेप बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक साइड 3-3 इंच का निशान लगाएंगे। 3-3 इंच का हम निशान लगा रहे हैं, पूरे पूरे ब्लाउज पर लगाएंगे। अब इन निशानों को मिलाते हुए हम राउंड राउंड शेप देते जाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी करिए। तो देखिए हमने निशान लगा लिया है, अब हम इसे काट कर अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने गले को यहाँ पर काट लिया है। अब हम इसे कपड़े पर रखकर काटेंगे। कपड़े पर अच्छी तरह से सरियाते हुए रखते हुए हम काटेंगे। अब हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से सरियाते हुए पहले सिलेंगे और फिर सिल कर इसे उलट लेंगे।
हमने पलट लिया है। अब हम इसे ऊपर से सिलाई लगा देंगे। चारों तरफ सिलाई लगाते हुए पहले ठीक तरह से सिल लेंगे। तो पहले हम इसे पीछे नीचे वाला प्लेट डालेंगे। अब हम यहाँ पर एक डोरी लिए हैं और इसे अच्छी तरह से उलट कर प्रेस कर लिए हैं। अब हम देखिए इस राउंड राउंड शेप देते हुए जो दिए हैं उसी के ऊपर ये डोरी को लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने सारे डोरी को लगा दिए हैं अच्छी तरह से। अब हम दूसरे पल्ले को भी तैयार करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से गले को सिलाई करके उलट देंगे। यहाँ पर भी हम पीछे वाला प्लेट डाल देंगे। तो देखिए हमने पहले पीछे वाला प्लेट डाल रहे हैं। अब हम उसी डोरी को गले के ऊपर रखते हुए पूरे गले पर लगाएंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पर डोरी इन सारे लेस को लगा दिए हैं। अब हम इसे एक दूसरे को ऊपर रखकर अच्छी तरह से अटैच कर देंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर नीचे में पाइपिंग भी लगा देंगे।